अस्सलाम असलकूम बिसमी हमारा जो टॉपिक है वो आज का वो बायो स्टैटिस्टिक्स का वो है मैयर ऑफ़ सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मैयर ऑफ लोकेशन किस चीज़ की लोकेशन पॉपुलेशन की सैंपल की मैयरमेंट स्केल की कि हमारा जो पॉपुलेशन सैंपल जो है वो कहाँ पे लोकेट करता है उसको हम लोगों ने क्या करना है मैयर करना है एक्चुअली इसमें है क्या हम लोग ना पॉपुलेशन है हमारे पास उसमें से हम लोगों ने सैंपल लेना है पापुलेशन है उसमें से हम लोगों ने क्या करना है सैंपल लेना है अब इस सैंपल की हम लोगों ने जैसे हम लोगों का क्या लेना है वेट लेना है वेट जो है के में हम लोग मेयर करते हैं ना तो इस सैंपल का हम लोगों ने क्या लेना है वेट लेना है तो जो सैंपल का हम लोगों ने वेट लिया उसमें से हर एक बंदे का किसी का वन के तो किसी का फोर्टी टू के है किसी का फोर्टी थ्री के है किसी का फिफ्टी के है किसी का सिक्सटी है किसी का सेवेंटी है किसी का सेवेंटी है किसी का एटी है किसी का नाइन्टी फाइव तो हर एक का अपना अपना वेट है अब मैंने कहा ये 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 वेट है पर मैंने हर एक को बताया ना कि हर एक इतना इतना वेट है पर मैंने क्या करना है अब बताना है कि इन सब का मीन क्या है इन सब इतना हर एक इतना वेट है पर छोड़ो मुझे एक ही बात बताओ कि इनका एक जो एवरेज वेट है जो मीन वेट है वो क्या है तो उस कुछ चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं है? मयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कि हमारे पास इतने सारे बंदे इनका ये ये वेट है पर मुझे इन सब पूछो मुझे एवरेज बताओ कि इन सब का एवरेज वेट कितना है तो उसे बोलते हैं हम लोग मैयराफ सेंट्रल टेंडेंसी मैंने क्या करना है इन्हीं वैल्यूज़ को फोर्टी को फोटी को फिफ्टी प्लस सिक्सटी प्लस सेवेंटी प्लस सेवेंटी फ़ाइव प्लस 80 प्लस नाइन्टी फाइव तो ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसको क्या करना है एट पे डिवाइड करना है तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी लाइक like, मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो सिक्सटी आई है तो मैं एग्जांपल के तौर तो पे तो ये सिक्सटी है नहीं पर मैं मतलब समझाने के, के लिए बोल रही हूँ अगर यहाँ पे मेरे पास सिक्सटी के जी वैल्यू वे, आई है तो मैं क्या कहूँगी कि मेरा जो एवरेज जो इन सब का वेट है वो क्या है सिक्सटी के जी सिक्सटी के जी क्या है एवरेज है हर एक इतना इतना है हर एवरेज कितना है सिक्सटी के जी तो ये क्या हुआ मेरा मेरा सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल टेंडेंसी है क्या एक्चुअली दिज आर देंट्रल वैल्यूज़ इन द डेटा सेट डेट समराइज द डेटा सेट इन सिंगल वैल्यू हमारे पास ये क्या था फुल डेटा सेट था जिसने समराइज़ किया जिसको हम लोगों ने समराइज़ किया एक सिंगल वैल्यू में सिक्सटी के जी में तो इस फुल डेटा सेट को एक वैल्यू में मैंने समराइज किया तो इसको बोलते हैं मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अब सेंट्रल टेंडेंसी की जो है वो हम करना तो है लेकिन किस किस तरीके से करना है इस ये जो एवरेज मैंने सिक्सटी के जी निकाला है ये मैंने कौन से तरीके से किया है मीन से किया है मीडियन से किया है मोड से किया है तो इसको एवरेज निकालने के लिए भी हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी के मेरे पास क्या है टाइप्स हैं तो कौन कौन सी टाइप्स हैं ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मेरे पास थ्री टाइप्स हैं एक है मीन मीडियन मोड तो ये क्या है मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की थ्री टाइप्स हैं मीन मीडियन मोड हम लोग कैसे क्यों कैलकुलेट करते हैं मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को ताकि फुल डेटा सेट को एक ही वैल्यू में क्या करें समराइज करें और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं मीन मीडियन और मोड हमारे पास डिफरेंट टाइप्स क्यों है अब मीन क्यों है मीडियन क्यों है मोड क्यों है एक मीन भी तो हो सकता था वो इसलिए कि हमारे पास जो डेटा है वो भी क्या है एक तरह का नहीं है डेटा की भी हमारे पास क्या है टाइप्स है लाइक हो सकता है मेरा जो डेटा है वो नॉमिनल वो है ऑर्डिनल या फिर हो सकता है मेरा जो डेटा है वो कंटिन्यूस डाटा है या फिर जो मेरा डाटा है वो क्या है डिस्क्रीट डेटा है तो हर एक को फाइंड करने के लिए हर एक का मीन फाइंड करने के लिए हर एक का एवरेज फाइंड करने के लिए मैं मीन तो नहीं यूज़ कर सकती मैं मीडियन एक ही तो नहीं यूज़ हो सकता है कहीं पे मीन कहीं पे मीडियन कहीं पे मोड यूज़ होता हो तो इस वजह से हम लोग हमारे पास इस मईर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की थ्री टाइप्स जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे अब हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग चलो मीन यूज़ करके मैंने क्या करना है एवरेज निकालना है लेकिन अगर एक जगह पर हम लोग लो सैलरी की बात करते हैं ना कि एक ऑफिस है एक बिल्डिंग है उसमें जो पीएन है जो गार्ड है उसकी सैलरी कितनी होगी जो गार्ड है यहाँ से स्टार्ट करते हैं सैलरी जो गार्ड है उसकी सैलरी जो है वो सबसे कम होगी हो, हो सकता है उसकी सैलरी ट्वेंटी थाउजेंड हो ये गार्ड की सैलरी है अब जो सबसे ये मेड में जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी हो सकती है फिफ्टी थाउजेंड हो जो अंदर काम करते हैं उस बिल्डिंग में और यहाँ पे जो टॉप पे उनका जो बॉस है हो सकता है उनकी उसकी जो सैलरी हो वो टेन लैक हो जो यहाँ पे बोस है तो अब देखे ना कि यहाँ पे जो सबकी सैलरीज हैं वो सेम है नहीं ना हर एक की सैलरी डिफरेंट है तो अब मैं यहाँ पे मीन यूज़ कर सकती हूँ नहीं क्यों क्योंकि सबकी सैलरी सेम नहीं है इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी मीडियन यूज़ करूँगी मतलब यहाँ पे क्या यूज़ करना है मीडियन मीडियन क्यों मीडियन जो है वो डेटा बताता है डेटा सेट को दो वैल्यूज़ में डि इसने डिवाइड किया कि फिफ्टी परसेंट पीपल की जो सैलरी है वो इतनी है और फिफ्टी परसेंट से कुछ लोग इतने लोगों की फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा है मीडियन ने हमें बताया कि फिफ्टी परसेंट पीपल की जो सैलरी है वो फिफ्टी परसेंट की जो इतने लोगों की फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा है और इतने लोगों की कम है अब जो आ, यहाँ पे जो गार्ड था उसकी सैलरी कितनी है फिफ्टी परसेंट से कम है ना और यह जो बॉस है उसकी फ़िफ्टी परसेंट से ज़्यादा है इसके अलावा कुछ और भी वर्कर्स हैं जिसकी फ़िफ्टी परसेंट से इसकी सैलरी क्या है ज़्यादा है तो मीडियन जो है वो इस सैलरी को फिफ्टी फ़िफ्टी परसेंट में डिवाइड करता है कि फ़िफ्टी परसेंट लोगों फ़िफ्टी परसेंट जो है कुछ लोगों की फ़िफ्टी परसेंट से कम है कुछ की फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा है तो ये मीडियन ने डेटा सेट को मिड वैल्यू में डिवाइड किया है तो यहाँ पर मीन नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि हर एक की सैलरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है डिफरेंट है अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं मीन के बारे में स्टडी करते हैं कि मीन जो है वो मीन से हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे मायर करते हैं मीन से सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे मायर करते हैं तो मीन के बारे में पढ़ते हैं मीन जो है वो इसकी डेफ, डेफिनेशन ये है कि मैर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसको डिनोट किस चीज़ से करते हैं म्यू से डिनोट करते हैं ये इसकी डोनेशन है और इसका जो फार्मूला है मीन का वो सैंपल के लिए क्या है और पॉपुलेशन के लिए साम, मीन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं किस चीज़ किस चीज़ को डोनेट करने के लिए डोनेट करने के लिए पॉपुलेशन अगर हम लोग मीन को एक्स बार से डोनेट करते हैं इसका मतलब ये क्या है कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सैम्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है अब जो मीन का फार्मूला वो क्या है म्यू इज इक्वल टू समेशन एन आई इक्वल टू वन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन ये है मीन का फार्मूला किसके लिए पापुलेशन को जब डोनेट डोनेट करता रिप्रेजेंट करता है, है। एक्स बार सैंपल का जो फार्मूला है मीन के लिए वो है ये एक्स बार समेशन एन आई इक्वल टू वन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन ये किस चीज़ का फार्मूला है ये मीन जब सैंपल को रिप्रेजेंट करता है अब हम लोगों ने जो मीन मीन जो फाइंड करना है वो हमने कहा ना कि डिफरेंट हमारे पास डेटा सेट हो सकता है तो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए मीन जो है इसको मैं कैसे फाइंड करूँगी अगर हमारे पास क्या है मीन को हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए कैसे फाइंड करना है इंडिविजुअल सीरीज़ कौन सी होती है जिसमें डेटा सेट में जो नंबर है वो रिपीट ना हो तो उसमें मैं मीन को कैसे वो करूँगी जैसे टू हो फोर वन थ्री सिक्स एट तो यहाँ पे देखें ना नंबर रिपीट हो रहा है नहीं कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा टू है अगर तो टू है तो वो एक ही दफ़ा है अगर वन है तो वो एक ही दफ़ा है तो यहाँ पे जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा था इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ तो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए मीन को हमने कैसे फाइन करना है इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए जो मीन का जो फार्मूला है वो है एक्स बार समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन तो अब मैं इसको कैसे फाइन करूँगी सबको क्या करना है प्लस करना है समीशन एक्स मतलब समीशन मतलब क्या करना है प्लस करना है एक्स को प्लस करना है टू फोर वन थ्री सिक्स एट को क्या करना है प्लस करना है तो कितना हुआ एट एट तो इन सब को मैंने क्या करना है प्लस करना है एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फिफ्टीन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर और टोटल ये कितने नंबर हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये क्या है सिक्स ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई सिक्स इज़ इक्वल टू सिक्स सिक्स वन सिक्स थर्टी सिक्स होता है तो सिक्स फाइव ज़ार थर्टी सिक्स फोर ज़ार ट्वेंटी फोर इक्वल टू फोर तो मेरे पास जो इंडिविजुअल सीरीज़ में जो आंसर आया है मीन इस इंडिविजुअल सीरीज़ का मीन क्या हुआ फोर तो इसका क्या है फोर इसका मीन है अब अकबर मेरे पास जो डेटा सेट है वो डिस्क्रीट सीरीज में हो डिस्क्रीट फॉर्म में हो मेरे पास जो डेटा सेट है वो क्या हो डिस्क्रीट फॉर्म में हो तो डिस्क्रीट फॉर्म में जो डेटा सेट क्या होता है नंबर क्या होते हैं रिपीट होते हैं जैसे टू फोर टू फिर फोर सिक्स तो ये देखें टू की फ्रीक्वेंसी दो मरतबा आ रही है फोर जो है वो रिपीट हो रहा है तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ अब डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए मैंने डेटा सेट को कैसे फ़ाइंड करना है मीन इसका कैसे फ़ाइंड करना है इसके लिए जो फार्मूला है वो है एक्स बार इज़ इक्वल टू समन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए ये इंडिविजुअल सीरीज को इस तरह से इस फार्मूले से फाइंड करना है अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए मैं एक डेटा सेट लिखती हूँ जैसे है वन 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 टू टू थ्री 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 फोर 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 तो ये मैंने अभी एक डेटा सेट लिख लिया अब मैं इसके लिए कैसे फाइंड करूँगी इसका मीन ये क्या है डिस्क्रीट सीरीज है क्यों क्योंकि इसमें वन भी रिपीट हो रहा है टू भी दो दफ़ा रिपीट हो रहा है फोर फोर टाइम रिपीट हो रहा है तो अब मैंने इसको इसमें मीन जो है वो इसका कैसे फाइंड करना है एक्स को मैं लिखूंगी वन टू थ्री फोर तो वन कितनी बार रिपीट हो रहा है वन की फ्रिक्वेंसी क्या है फ्रीकुंसी मतलब रिपीटिशन नंबर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फिजिक्स में नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी क्या है रिपीटिशन को बोलते हैं वन वन कितनी बार रिपीट हो रहे थ्री मरतबा टू टू मरतबा थ्री थ्री मरतबा फोर फोर मरतबा अब एफ एक्स हम लोगों ने फाइंड करना है इन दो इसको वन को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है टू को टू से मल्टीप्लाई करें फोर आता है थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करें नाइन आता है सिक्सटीन आता है अब समय एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया ना एफ एक्स अब हम लोगों ने क्या करना है समीशन लिखा हुआ है एफ एक्स को क्या करना है सम करना है इस एफ एक्स को क्या करना है सम करना है तो समीशन मतलब सम करना है तो सम करने के बाद ये क्या आएगा इन सब की वैल्यू क्या आएगी थर्टी टू तो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू थर्टी टू जबकि समीशन एफ मतलब इस एफ को भी अब आपने क्या करना है प्लस करना है तो ये कितना आएगा फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व ये कितना हुआ ट्वेल्व तो 32 टू डिवाइड बाई ट्व थर्टी टू डिडेड बाई ट्वेल्व इसको हम लोगों ने अब क्या करना है डिवाइड करना है ट्वेल्व वन हज़ार ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री हज़ार तो ये इसका क्या है मीन है डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन ऐसे फाइंड करते हैं अब ये तो थी डिस्क्रीट सीरीज़ हम लोगों ने अब क्या करना है कंटीन्यूस सीरीज़ में मीन को कैसे फाइंड करना है अगर मेरे पास जो डेटा सेट है वो क्या है कंटीन्यूस सीरीज़ है कंटीन्यूस सीरीज़ में हमारे पास जो है वो ये कौन सी फॉर्म वाला डेटा होता है इसमें जो हमारा डेटा सेट है वो क्या होता है थोड़ा कंप्लेक्स होता है इसमें तब भी हम लोग इसकी फिर डेटा सेट की क्लास इंटरवल्स बनाते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए जो फार्मूला है वो है एक्स बार समेशन एफ एम डिवाइड बाई समेशन एफ यह कंटिन्यू कंटिन्यू सीरीज़ का फार्मूला अब मेरे पास जो यहाँ पे जो मैं डेटा सेट लिखती हूँ वन फाइव सिक्स सेवन एट टेन अलेवन ट फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी अब मैंने क्या करना ये थोड़ा कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है डेटा सेट क्या होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो हम लोग फिर क्या करते हैं इस डेटा सेट की क्या करते हैं टेबल अब बड़ा लंबा बन रहा है ना इसमें टेबल जब लंबा बनता है जब डेटा सेट हमारे पास थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं इसकी क्लासेस बनाते हैं क्लासेस कैसे बनाते हैं वो इस तरह सबसे पहले हम लोगों ने इसका क्या करना है रेंज मालूम करना है रेंज क्या है कि हम लोगों ने इस डेटा सेट की हाइस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करना है ट्वेंटी माइनस वन ट्वेंटी माइनस वन हम लोगों ने जब किया तो क्या है हमारे पास नाइन्टीन ये इसकी रेंज है अब क्या करना है मैंने क्या कहा क्लासेस बनाने क्यों क्योंकि हमारे पास जो टेबल है वो काफ़ी लंबा बनेगा और जबकि ये रूल है कि टेबल क्या करना है शॉर्ट बनाएं तो अभी तभी हम लोग क्या करते हैं इसकी क्लास इंटरवल्स बनाते हैं तो क्लास इंटरवल बनाने के लिए इसको क्लासेस में डिवाइड करें कैसे डिवाइड करें नाइनटीन को डिवाइड करें मैंने कितनी क्लासेज में चाहूँ बनाऊँ तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम क्लासेस बनाए क्योंकि टेबल को क्या करना है शॉर्ट बनाना है तो मैंने मैं क्या करूँगी फोर क्लासेस बनाऊँगी तो नाइनटीन वाइड बाई फोर इज़ टू फोर पॉइंट सेवन फाइव विच इज़ नियरली इक्वल टू फाइव तो मैंने एक डेटा सेट को फोर फोर उसमें डिवाइड करना है क्लासेज में तो क्लासेज में कैसे बनाऊँगी वन टू फाइव सिक्स टू टेन अलेवन टू फिफ्टीन सिक्सटीन टू ट्वेंटी तो ये मैंने फोर क्लासेस बनाई वैसे तो टेबल काफ़ी लंबा बन रहा था तभी मैंने क्लासेस बनाई ताकि हमारे पास टेबल जो है वो शॉर्ट से शॉर्ट बने ये क्या है रूल है बाय स्टेट का कि हम लोगों ने क्या करना है जर्नल मतलब किसी भी जर्नल में अगर आपने अपना पेपर वगैरह पब्लिश करना है अपनी थ्योरी या फिर अपना एक्सपेरिमेंट तो उसमें टेबल जो है हम लोगों ने शॉर्ट से शॉर्ट बनाना होता है अब मैंने क्या करनी है फ, फ, फार्मूला में क्या है समेशन एफ एम एफ इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी और एम क्या है मिड वैल्यू मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं वो इस तरह वन प्लस फाइव डिवाइड बाई टू इज़ इक्वल टू थ्री इसी तरह सिक्स प्लस टेन डिवाइड बाई टू इज़ इक्वल टू एट तो बाकी अलेवन प्लस अलेवन फिफ, प्लस फिफ्टीन की ये थर्टीन आती है सिक्सटी ट्वेंटी की क्या आती है एटीन आती है तो ये इसकी क्या है मिड वैल्यू अब क्या फ़ाइन करना है फ्रीक्वेंसी भी है ना फ्रीक्वेंसी फाइन करनी है फ्रीक्वेंसी कैसे फाइन करनी है कि वन के और फाइव के दरमियान जो नंबर जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं वन और फाइव के दरमियान तो कोई नंबर नहीं है बस ये कि वन और फाइव जो है दो ही हैं तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है इसकी क्या है दो नंबर्स हैं तो दो ही है इसी तरह सिक्स टू टेन के दरमियान जो सिक्स टू टेन के दरमियान जो नंबर्स है? तो है, है. है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं सिक्स सेवन एट टेन फोर फोर टाइम तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है फोर आती है अलेवन टू फिफ्टीन के दरमियान जो नंबर है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं अलेवन टवेल्व फिफ्टीन ये तो थ्री मतलब रिपीट हो रहे हैं सिक्सटीन टू ट्वेंटी के दरमियान कितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं वो सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी कितने हुए एक दो तीन चार पाँच फाइव मतलब रिपीट हो रहे हैं तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई अब क्या FM, FM करना है एफ एम एफ एम को मल्टीप्लाई करना है एफ एम को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा सिक्स थर्टी टू एट फोर ज़ार थर्टी टू इसी तरह थर्टीन थ्री ज़ार थर्टी नाइन एटीन फाइव ज़्यादा नाइन्टी अब क्या करना है समेसन इनको प्लस करना है एफ एम को क्या करना है प्लस करना है एफ एम को प्लस किया तो मेरे पास क्या आया वन सिक्सटी सिक्स फार्मूला में पुट करें वन सिक्सटी सिक्स समेसन एफ इस एफ़ को भी मैं हम लोगों ने क्या करना है प्लस करना है तो ये किसके बराबर है फोटीन के बराबर है तो वन सिक्सटी सिक्स डिवाइड बाई फोर्टीन इज इक्वल टू वाट इज़ इक्वल टू अलेवन पॉइंट नाइन तो ये इसका आंसर है तो ये मीन के बारे में था